ओके सो स्टार्ट करते हैं। सो आपका सेमेस्टर 8 कंप्लीट हो चुका है, अब सेमेस्टर 9 स्टार्ट हो गया। तो उसमें जो DCM सब्जेक्ट है, डेटा सेंटर मैनेजमेंट, वो सब्जेक्ट हम कैरी करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिखे तो बताना। यस सर, दिख रही है। सो सब्जेक्ट है DCM, डेटा सेंटर मैनेजमेंट। सो बेसिकली जैसे सब्जेक्ट लाइन है डेटा सेंटर, तो हम अगर हम पुराने वे में डेटा सेंटर को अंडरस्टैंड करें, नॉट पुराने बट लेट्स से द क्लासिक वर्जन, तो हमारे पास एक स्पेस है जिसके अंदर मतलब अनऑथराइज कोई पर्सन एंटर नहीं कर सकता, जिसमें बहुत सारे सर्वर रैक है, जिसमें मशीन्स है, सर्वर्स है, कुछ फायरवॉल डिवाइसेस है, कुछ रूटर्स है, स्विच। तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेशन जिसके अंदर हमारे बहुत सारे इंस्टेंसेस लोकेटेड है, जिसको हम क्लासिक वे में डेटा सेंटर बोलते हैं। बट अगर हम आफ्टर कोविड या ऐसे सिचुएशन की बात करें, तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन अपना जो डेटा है वो क्लाउड पे मूव कर रहा है। व्हाई? बिकॉज वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, एंड उनका जो कॉस्टिंग और इन्वेस्टमेंट जो था क्लासिक डेटा सेंटर मैनेजमेंट में थोड़ा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू क्लाउड। बिकॉज अगर आप डेटा सेंटर एक फिजिकल लोकेशन पे मैनेज, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो खुद से मैनेज करनी पड़ेगी, लोकेशन, देन उसका इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप उसको पर्टिकुलर इंटरनेट, आप उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको एक मैन पावर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लासिक वे ऑफ डेटा सेंटर मैनेजमेंट था। अब हम आते हैं न्यू और लेटेस्ट, तो क्या डेटा सेंटर जो हम मैनेज करते हैं वो है क्लाउड पे। तो जो फिजिकली हमारा जो हेडेक हुआ करता था कि फिजिकली मशीन्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो हेडेक जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उन्होंने अपने पास रखा है। मतलब फिजिकली हमें मशीन्स को मैनेज करना नहीं है। अब हमें क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपके मशीन में, आप अपना जो भी इंस्टेंसेस है, आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज कर पा रहे हो। तो बेसिक हमारा नीड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का और मेंटेन करने का। तो इसलिए ये जो DCM है उसके अंदर कॉन्सेप्ट है IAC। IAC मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, जो आपको हेल्प करता है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और टू मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट या चेंजेस आते हैं तो भी आप मैन्युअली भी कर सकते हो, ऑटोमेटेड वे में भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट आया इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड क्यों कंसेप्ट आया? बेसिकली जैसे हमें पहले फिजिकली मशीन्स और मेंटेन करने पड़ते थे, तो कुछ नए सर्वर आए या उनकी नई रिक्वायरमेंट करी, तो आपको फिजिकली सर्वर पहले बाय करना पड़ेगा, फिर उसको प्रॉपर वे में असेंबल करना पड़ेगा, उसको फिर आपको अटैच करना पड़ेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, यूज़र क्रिएट करोगे, तो ये सारी चीज़ें मैन्युअली टास्क रहते थे। अब हम आते क्लाउड पे, तो क्लाउड पे आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब तक हम मैनुअल प्रोसेस से भी करते थे कि भाई ये इस फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अमेजोन का मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें एक मशीन बनाता हूँ, मशीन बनाना मैन्युअली मैं बनाऊंगा आपके, भाई मुझे एक T2 माइक्रो मशीन बनाना है, उसके अंदर मुझे ये उबंटू या विंडोज में इस मशीन इमेज बनाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं मैन्युअली करता था। एवरी टाइम जैसे कोई पर्सन आए मुझे नया मशीन बनाना है, मैन्युअली करो, तो उसमें कैसे आप ऑटोमेशन वे में ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। तो जो चीज़ हम मैन्युअली कर रहे हैं वही चीज़ आप यहाँ पे ऑटोमेटेड वे में करोगे। ठीक है,
machines were configured to correct setting required OS dependencies would those people deploy the application. मतलब एवरी टाइम हमें रिक्वायरमेंट आती है फ्रॉम द डिफरेंट पर्सन्स की, लाइक डेवलपर है, डेवलपर में फॉर एग्जांपल .NET कोर का अगर डेवलपर है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट अलग रखेगा कि भाई मुझे एक विंडोज में भी चलेगा मेरा और या तो फिर Ubuntu में भी चलेगा, मुझे इतना इतना रैम चाहिए, उतना स्टोरेज चाहिए और ये प्रोसेसर चाहिए. अगर कोई आता है फॉर एग्जांपल PHP का डेवलपर तो बोलते हैं भाई मुझे ये मशीन चाहिए, उसमें मेरा PHP का ये वर्जन होना चाहिए, मुझे ये, मतलब एवरी टाइम आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी. तो वो आपको प्री रिक्वायर्ड सेटिंग्स आपके पास आ जाएगी, उसके हिसाब से आपको मैन्युअली या ऑटोमेटेड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है. अब आती है कि उसमें चैलेंजेस क्या क्या थी. तो चैलेंजेस ये थी कि एवरी टाइम फॉर एग्जांपल कुछ पर्सन आया, एवरी टाइम हमें मशीन बनाना है, तो मशीन बनाना, सेटअप करना, मशीन में जैसे कुछ ये एप्लीकेशन डाल दिया, तो वो चीज़ें आप एवरी टाइम आपको मैन्युअली करनी है, तो आपका पूरा दिन वहीं पे आप वही और आप वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हो. तो जैसे इससे पहले हमने सेमेस्टर 8 में ऑटोमेशन के लिए एंसिबल देखा, ऑटोमेशन विथ ओपन सोर्स, तो उसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर या इन्वेंट्री या पर्टिकुलर सर्विस को मैनेज कर पाओ या फाइल लेवल पे मैनेज कर पाओ. यहाँ पे हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि इंस्टेंस लेवल पे. अब क्वेश्चन ये आता है कि एंसिबल भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, तो एंसिबल भी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकता है या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकता है, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है जो यहाँ पे, जैसे आप एंसिबल है तो उसको अगर आपको हाइपर वी या फिर ओरेकल या फिर गूगल क्लाउड उनसे अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको प्लेबुक को ढूंढना पड़ेगा, प्लेबुक को मैनेज करना पड़ेगा, जो भी प्लेबुक्स है वो. बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेराफॉर्म जो है वो स्पेशलाइज्ड, टेराफॉर्म जो है वो है एक प्रोडक्ट है जो मैनेज करता है हैशीकॉर्प करके एक कंपनी है जिसने ये टेराफॉर्म जो एज अ प्रोडक्ट बोल सकते हो या सर्विस बोल सकते हो वो लॉन्च किया हुआ है, जिसका मेन टारगेट ये है कि आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हो, आप VMware क्लाउड यूज़ करो या फिर आप ओरेकल यूज़ कर रहे हो, गूगल यूज़ कर सकते हो. अभी ऐसा है कि हैशीकॉर्प टेराफॉर्म जो है 100+ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट कर रही है, तो वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. तो मतलब कंपेटेबिलिटी का जो है प्रॉब्लम जो एंसिबल में आता है वो यहाँ पे नहीं है, और हैशीकॉर्प ने यही स्पेशलाइज डिज़ाइन किया हुआ है टेराफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन मैनेज करने के लिए. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बेनिफिट ऑफ IaC क्या है. तो जो मैंने बताया कि स्पीड है, जैसे सिंपल हम अगर कुछ मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है सिंगल क्लिक में या एक, मैं जैसे ही मैं पूरा लास्ट जैसे हम एंसिबल में हमने सिंगल क्लिक या सिंगल प्लेबुक रन करने से लैम्प सेटअप किया था या कोई सर्विसेज सेटअप की थी, तो वही चीज़ अगर हमें सिंगल कमांड से यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है तो वो हमारा काम फटाफट हो जाएगा. तो स्पीड एक आपका ऑटोमेशन में रहता है. सेकंड है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी बट ऑब्वियस है, अगर आप एक मैं पर्सन को बोलता हूँ कि ये मशीन बनाना है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं सॉफ्ट सेटअप करनी है, तो कुछ मिस हो सकते हैं क्योंकि ह्यूमन एरर के कारण यहाँ पे मशीन सेटअप किया हुआ है, तो उसमें जो आपने लिखा है वही होगा. ठीक है, तो एक बार प्रॉपर सेटअप करके दिया है तो दैट मीन्स वो नेक्स्ट टाइम रन होगा तो वो वही प्रॉपर सेटअप ही होगा, तो कंसिस्टेंसी आपको एवरी टाइम मिलेगी. कॉस्ट, ये एक ऐसा है टूल की जो वैसे फ्री है कि भाई आपको ऐसा नहीं कि हैशीकॉर्प यूज करने के लिए कोई कॉस्टिंग लगती है. हैशीकॉर्प आप फ्री टू मैनेज है, वो आप लोकल लैपटॉप डेस्कटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप लिनक्स मैक या विंडोज बेस हैशीकॉर्प सेटअप कर सकते हो. जो टेराफॉर्म है वो एक तो बोल सकते इजी टू सेटअप है और हैंडी है, तो कॉस्टिंग के बारे में आपको मैन्युअली जो एफर्ट्स लगते वही आपको ऑटोमेटेड वे में ऑफर्स लगेगी इन टर्म ऑफ कॉस्ट.
तो कॉस्ट कुछ है नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है वही होगा, जो तो मैन्युअली भी करोगे तो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट तो देना ही है। मिनिमम रिस्क मतलब कि ये होता है कि एवरी ईच एंड एवरी थिंग डॉक्यूमेंटेड है, लॉग है, ट्रैक है और रेफरेंस है। मतलब आपने कुछ मशीन सेटअप किया, फॉर एग्जांपल चलो आपके एक इंजीनियर ने फिजिकली मशीन में कुछ प्रॉब्लम किया, तो उसका आपके पास कोई लॉग नहीं है। बट अगर आप ऑटोमेटेड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर कोड से बनाते हो तो उसका पूरा लॉग है कि भाई ये पर्सन ने रन किया था, ये पर्सन ने ये टास्क किया था, तो उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, लॉग मिलेगा, ईच एंड एवरी आइटम का ट्रैक मिलेगा कि भाई ये टाइम पे ये टास्क हुआ है। एवरीथिंग कोडिफाइड, कोडिफाइड इन टर्म कि आप जो भी टास्क क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे कोड आएगा। अभी क्वेरी आएगा कि यार कोड तो हमें बनाना आता नहीं, तो ये जो TF और स्टेट या हैसीकॉप की जो कोडिंग है वो एकदम इजी है। मतलब एक नॉर्मली जैसे आप शेल स्क्रिप्ट बनाते हो या जैसे आप लोगों ने अभी तक यामल फाइल बनाई होगी, वैसे ही हैसीकॉप की जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स है या जो भी उनके फ्लो है वो एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। वर्जन कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड, यहाँ पे वर्जन कंट्रोल में भी आप मैनेज कर सकते हो, देन आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि किसने किया था, क्योंकि वर्जन कंट्रोल गिटहब अगर पिक्चर में आ जाता है या ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी जो वर्जन कंट्रोल मैनेज करता है, बिट बकेट या गिट लैब या SVN कोई भी, तो वहाँ पे आपको ट्रैक इजीली मिल जाता है कि व्हाट हु व्हेन व्हाई किसने कब क्या चेंज किया। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी विच नीड इन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि कब किया था, कब कैसे किया था, तो वो ट्रांसपेरेंसी ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कम रहेगी इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में। नाउ अब हम आते हैं टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म क्या है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अंडरस्टैंड करना चाहूँगा कि इन लोगों ने टेराफॉर्म पे काम किया हुआ है और टेराफॉर्म का आपको आइडिया है। सबसे स्टार्ट करते हैं मयंक। मयंक टेराफॉर्म पे काम किया है या टेराफॉर्म आपने लर्न किया है? जील आपने? नहीं सर, अभी तक तो हमने टेराफॉर्म पे कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया बेसिकली, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा व्हाट इज टेराफॉर्म या कैसे, थोड़ा बहुत आइडिया, राइट? ऑटोमेशन के लिए यूज हो सकता है और ओपन सोर्स है लाइक एनिसिबल, बट काम नहीं, बाकी आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, यूज नहीं किया मतलब प्रैक्टिकल। मयंक सिंह आपने टेराफॉर्म पे काम किया या फिर आपको आइडिया हो? शीतल आपने? हाँ सर, काम तो नहीं किया बट आइडिया है। वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कोड है टेराफॉर्म, एंड जैसे कि फुल्ली ऑटोमेशन के लिए सोर्स कोड यूज होता है। सपोज हमको एंसिबल के थ्रू वो लोड बैलेंसर में यूज करना, ऑटोमेटिकली कोई मशीन क्रिएट करना, उस पर स्पॉन अप हो जाना चाहिए AWS में ऑटोमेटिकली, तो टेराफॉर्म के जो कोड होते हैं कोड रेपो बना के हम लोग वो यूज कर सकते हैं। ओके, परमवीर आपने? नहीं सर, यहीं पे फर्स्ट टाइम यूज होता हूँ। और कोई रह गया? देवत? हाँ सर, मतलब उसका वर्क बता है मेरे को, लाइक उसमें सपोज के मेरे को इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करना है तो मैं टेराफॉर्म में कोड रन करवाऊंगा तो वो क्रिएट हो जाएगा, जैसा एंसिबल जैसा काम करता है वैसे। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा वो एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, मतलब एक टर्मिनोलॉजी से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस पढ़ा, प्लेटफॉर्म एज सर्विस पढ़ा, वैसे ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कोड से डिप्लॉय करो तो उसके अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज और आती है, जैसे
हमने एनसीबल पढ़ा, तो वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड पे अब एज अ टूल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में यूज़ हो सकता है। दूसरा आपने शेफ, पॉपेट, ये शायद नाम सुनेंगे, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के ही टाइप्स है। टेराफॉर्म जो है वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर हम क्लाउड टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो क्लाउड टेक्नोलॉजीज में भी खुद का क्लाउड फॉर्मेशन होता है। जैसे हम AWS की बात करें तो वहाँ पे है क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको आप टेम्पलेट के मैनेज से आप मशीन को या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सेम अगर हम एज्योर की बात करें तो एज्योर में टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं, टेम्पलेट टर्म यूज़ होती है जो जेसन फॉर्मेट में आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेव करता है। अब ये जो चीज़ें हैं वो कुछ ना कहीं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड या फिर पर्टिकुलरली सर्विस के ओरिएंटेड है। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन है AWS का, तो वो पर्टिकुलरली आपका सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है AWS के अंदर ही। अगर मैं एज्योर टेम्पलेट की बात करूँ तो एज्योर टेम्पलेट लिमिटेड है पर्टिकुलरली एज्योर के लिए। बट हम बात करते हैं जब टेराफॉर्म की, तो टेराफॉर्म जैसे मैंने पहले बताया कि 100+ अलग अलग सर्विस के साथ वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो टेराफॉर्म एक ऐसा टूल है कि जो हर एक टेक्नोलॉजी के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे मैं बात करूँ, गूगल क्लाउड है, अमेजोन है, या फिर एज्योर है, या फिर आपका ओरेकल है, या आपका वीएमवेयर क्लाउड है, अलीबाबा है, तो बहुत सारे क्लाउड फॉर्मेशन को टेराफॉर्म सपोर्ट करता है, ठीक है। तो टेराफॉर्म इज अ टूल फॉर बिल्डिंग, चेंजिंग, वर्जनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेफली एंड एफिशिएंटली। टेराफॉर्म कैन मैनेज एग्जिस्टिंग एंड पॉपुलर सर्विसेज प्रोवाइडर्स एज वेल एज कस्टम इन हाउस सॉल्यूशंस। तो कुछ वेल नोन प्रोवाइडर्स भी हैं और कुछ इन हाउस सॉल्यूशंस है जो जिसको भी वो सपोर्ट करता है, ठीक है। प्रोवाइडर जैसे मैंने बताया, प्रोवाइडर मतलब कि अमेजोन, एज्योर, गूगल, तो ये सारे जो क्या है प्रोवाइडर्स है जिनके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है। तो सबसे पहले प्रोवाइडर क्या होता है, तो प्रोवाइडर इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एपीआई इंटरेक्शन एंड एक्सपोजिंग द रिसोर्सेज। जैसे आपके मशीन लैब, मेरे लैपटॉप से मुझे अगर मेरे AWS की इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करना है सिंपल, तो मुझे क्या चाहिए, तो कि यूजर नेम पासवर्ड कंसोल के लिए। अगर मुझे क्लाइंट कनेक्ट करना है, तो AWS क्लाइंट अगर कनेक्ट करना है तो आपको की चाहिए होता है। उसके अंदर दो होता है कि सीक्रेट की और एक्सेस की। मतलब अगर आपको कुछ ऑथोराइज करवाना है, अगर आपको कुछ टास्क करवाना है, तो आपको ऑथोराइजेशन कंपलसरी चाहिए, ठीक है। तो टेराफॉर्म के अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बट वो कैसे है, तो कि आपको प्रोवाइडर के डिटेल्स डालने पड़ेंगे। जब तक आप डिटेल डालोगे नहीं, तब तक आपका कनेक्शन या यूजर कनेक्शन ऑथोराइज होगा नहीं, तब तक वो टेराफॉर्म ऑथोराइज नहीं कर पाएगा मशीन या रिसोर्स क्रिएट करने के लिए एज्योर में या AWS या कोई भी गूगल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे AWS की बात करते हैं हम, तो AWS के अंदर प्रोवाइडर कुछ ऐसा होता है। प्रोवाइडर नाम है AWS, रीजन जैसे हमने रीजन अभी तक जो भी हमने AWS पढ़ा, तो उसमें रीजन सिलेक्ट करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। सेम एज्योर के लिए है, एज्योर का ये प्रोवाइडर है एज्योर, एज्योर RM। जैसे AWS है तो एज्योर का एज्योर RM। वर्जन आपको डिफाइन करना है, सब्सक्रिप्शन ID, टेनेंट ID जो आपको एज्योर के अकाउंट में मिल जाएगा। यहाँ पे उसको ऑथोराइज करने के लिए AWS की बात करें, तो सीक्रेट की और एक्सेस की हमें डालनी पड़ती है, वो हम देखेंगे। अगर मैं बात करूँ GCP की, तो GCP के अंदर प्रोजेक्ट ID और रीजन, ये दो चीज़ देना पड़ते हैं। तो ये प्रोवाइडर्स हैं। अगर ये प्रोवाइडर, जैसे आपके पास कोई टेराफॉर्म का पूरा प्रोजेक्ट आता है, तो सबसे पहले आपका टास्क ये रहेगा कि प्रोवाइडर को अंडरस्टैंड करो, कहाँ
इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय होने वाला है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा प्रोवाइडर के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द अवेलेबल प्रोवाइडर कॉरेस्पॉन्डेंट टू वन क्लाउड और ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ऑफर रिसोर्सिस टाइप कॉरेस्पॉन्डेंट टू ईच। अगर आप प्रोवाइडर सेटअप करोगे नहीं तो इंटरनली कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, मतलब इंटरनली इंटरन कि उसको कहाँ पे डिप्लॉय करना है वो पता नहीं चलेगा। इन ऑर्डर टू मेक अवेलेबल ऑन टेराफॉर्म वी नीड टू मेक टेराफॉर्म इनिट दिस कमांड डाउनलोड एनी प्लग इन्स दैट वी नीड टू फॉर। मतलब अभी टेराफॉर्म क्या है, तो बेसिकली एक कमांड शूट है। कमांड शूट मतलब टेराफॉर्म कमांड रहेगा, उसके इसके पीछे बहुत सारे कमांड रहेंगे, इनिट प्लान डिप्लॉय डिस्ट्रॉय एफएमटी बहुत सारे कमांड। ठीक है, तो वो कमांड्स जैसे जैसे हम यूज टू होंगे वन बाय वन रन भी करेंगे। ठीक है, तो एक कमांड रहता है इनिट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज, कुछ भी चीज करना है तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। जैसे इनिशियलाइज करोगे तो सबसे पहले वो ढूंढेगा प्रोवाइडर और रिमेनिंग डिटेल्स लाइक ऑथराइजेशन कैसे करना है। उसके बाद अगर वो लोकल मशीन में उसके प्लगइन्स या टूल्स नहीं होंगे तो डाउनलोड करेगा और सेटअप करेगा, जो कि हम प्रैक्टिकली वन बाय वन देखेंगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा। अब हम आते हैं सीधा, मैं लाइव वेबसाइट पे ही बताता हूँ। HashiCorp तो HashiCorp जो है वो एक कंपनी है जो बेसिकली सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया बेस्ड है और प्रोवाइड्स एन ओपन सोर्स टूल। तो ये एक HashiCorp कंपनी है जिसने टेराफॉर्म टूल सेटअप किया हुआ जो कि है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया बेस्ड। अभी मैं टेराफॉर्म करता हूँ, तो टेराफॉर्म की ये ऑफिशियल साइट है terraform.io। तो इसके अंदर बहुत सारे कम्युनिटी है, डॉक्यूमेंट्स है, ट्यूटोरियल्स है, इसका खुद का देखो यहाँ पे इसका एक गिट का एक तो बोल सकते हैं पेज है जिसमें आप देख सकते हो github.com/HashiCorp terraform। तो इसमें बहुत सारे आप ऑथर्स देखोगे, टैग देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ टूल्स में भी मिलती है। यहाँ पे कंट्रीब्यूटर देख सकते हो 1734 है। ठीक है, और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी है। तो ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है और हम बात करें तो डे बाय डे नया नया चीज़ें इंप्लीमेंट होती रहती हैं। अभी तो टेरा क्लाउड भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन। हाँ, HashiCorp का खुद का एक सर्टिफिकेशन भी होता है, HashiCorp इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन। अगर हम दोनों सर्टिफिकेट को देखें, HashiCorp इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन सर्टिफिकेशन जैसे Amazon का होता है, Azure का होता है, देन अब ये रहा उसका बेच टेराफॉर्म सर्टिफाइड एसोसिएट। ठीक है, इसका कॉस्टिंग कुछ 5,000-6,000 INR होता है। यस, ये रहा $70, तो डिपेंड आपके मतलब कन्वर्जेशन पे रहता है कि उस दिन कितना रेट है। एक घंटे का एग्ज़ाम होता है और यूजुअली वो लोग बोलते हैं कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं, स्टूडेंट्स भी देख अपीयर कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस और जो असेसमेंट टाइप होता है वो मल्टीपल चॉइसेस होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में होता है या AWS में होता है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 4 में से जो भी सिंगल होगा या मल्टीपल जो भी आंसर होगा आपको सिलेक्ट करना है, और वो ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, और सेम क्लाउड इंजीनियर सर्टिफिकेशन भी होता है, वो भी आपको पूरा बताया कि ये लेवल पे कर सकते हो। अब हम वापिस आते हैं तो उसका रजिस्ट्री में जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे
चार चीजें हैं, प्रोवाइडर्स, मॉड्यूल्स, लाइब्रेरी एंड रन टास्क। तो सबसे पहले हम प्रोवाइडर्स में जाते हैं क्योंकि हमने प्रोवाइडर्स के बारे में थोड़ा पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो, फिल्टर है ऑफिशियल, पार्टनर एंड कम्युनिटी। तो तीन फिल्टर रहेंगे, ऑफिशियल पार्टनर्स रहेंगे, पार्टनर जो रहेंगे और कम्युनिटी। तो मैं लाइक से सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी करता हूँ। तो कम्युनिटी प्रोवाइडर जो है, जिन्होंने खुद से बनाया हुआ है प्रोवाइडर, वो इतने हैं सर। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ 100+ प्रोवाइडर्स, तो वैसे उसमें कम्युनिटी भी इंक्लूड हो गए। अगर हम पार्टनर की बात करें, ऑफिशियल निकाल दे और पार्टनर, तो अलीबाबा है, ओरेकल है, उसके अलावा पार्टनर प्रोवाइडर भी बहुत सारे भी हैं। ठीक है, और हम आते हैं ऑफिशियल। तो जो हमारे तीन मेन जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है, उसके अलावा क्यूबरनेटिस भी आपको मिल जाता है, अलीबाबा भी मिल जाता है, ओरेकल भी मिल जाता है। एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के ओरिएंटेड अगर आपको कुछ टास्क करने हैं तो भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम सिंपल जो हमारे पूरे हेलसीकॉप या टेराफॉर्म के सिलेबस में हम जो देखने वाले हैं, वो मेजरली हम AWS का देखने वाला है। तो AWS का मैं क्लिक करता हूँ। तो ये पॉपुलर डाउनलोड्स हैं, डाउनलोड एवरी टाइम काउंट होंगे जब आप जैसे टेराफॉर्म इनिट करते हैं, और जब वो प्रोवाइडर मैंने अगर मेरे मशीन में डाला है प्रोवाइडर AWS, और मैं जैसे ही टेराफॉर्म इनिट कमांड मारता हूँ, जैसे यहाँ पे कमांड मारा है, तो क्या होगा, ये डाउनलोड होगा। और डाउनलोड होने के बाद वो इसके जो भी कमांड्स होंगे या इसके जो भी फंक्शनलिटी, वो रन होगी। अगर इनिट नहीं मारा है तो एरर आएगा कि नो सच प्रोवाइडर फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज प्रोवाइडर, तो देखो रेडीमेड पूरा टेम्पलेट आ गया। ये देख लो, टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स AWS सोर्स हेलसीकॉप AWS वर्जन 5.1 प्रोवाइडर AWS कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। तो हमने जो लिखा था वो सिर्फ इतना लिखा था, प्रोवाइडर AWS। तो प्रोवाइडर AWS करते हो तो भी चलता है, ये ऊपर ना लिखो तो चलता है। ठीक है, जैसे हमने इतना लिखा है प्रोवाइडर AWS। ठीक है, तो ये रेडीमेड टेम्पलेट भी प्रोवाइड करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो बहुत सारे आपको AWS के प्रोवाइडर है, जिसमें हम अगर हम सिंपल EC2 फिल्टर मारते हैं, सिर्फ EC2, तो देखो EC2 के अंदर भी क्या होता है, EBS है। फिर डेटा सोर्स है EC2, जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ Amazon AMI रिसोर्सेज के बारे में देखना है, तो इसको मैं नए टैब में ओपन करता हूँ। सिर्फ मुझे EMI को काम करना है, AMI कॉपी करना है, AMI को यूज़ करना है, तो ये पूरा एग्जांपल रहा। रिसोर्स AWS AMI एग्जांपल, वर्चुअलाइज टाइप, कौन सा आपको डिवाइस दिया है यूज़ करना है, स्टेप्स ऑलरेडी क्या यूज़ करना है, तो पूरे एग्जांपल उसके यूजेज के साथ है। तो कहीं पे भी आप अटकते हो ड्यूरिंग आप सेटअप, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है यही registry.terraform.io प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो हर एक प्रोवाइडर के ऊपर, ईच एंड एवरी मॉड्यूल के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर, जैसे EMI अगर आप देखो तो EMI एक चीज है, उसके अंदर हमारे पास 4 KB है AWS EMI कॉपी फ्रॉम इंस्टेंस एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो इन लोगों ने इतने डिटेलिंग में काम किया हुआ है, पर्टिकुलर एक एक टास्क के लिए स्क्रिप्ट डिफाइन किया है, तो आपको हर एक चीज यहाँ से ही मिल जाएगी। क्लियर, तो ये ओवरऑल प्रोवाइडर का एग्जांपल था। ये एक जो भी हम इन ऑन डेप्थ देखेंगे,
प्रोवाइडर्स, कमांड्स और बहुत सारी चीज़ें, और आपको पढ़ने में भी मज़ा आया क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज थोड़ा थियोरेटिकली है क्योंकि पहले थियोरेटिकली अंडरस्टैंड करोगे तो प्रैक्टिकल पे जाओगे, बाकी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेगी पर्टिकुलर सिलेबस में ये वाले। क्लियर? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग हैशिकॉप और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। इसमें कोई क्वेश्चन या कुछ डाउट? नहीं सर, ये सर खाली सर ये फाइल चाहिए होगा। हाँ, ये फाइल मैं भेजता रहूँगा और ये अपडेटेड रहेगी क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ कुछ कोई डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो वो जैसे जैसे मैं डॉक्यूमेंट ऐड करता जाऊँगा आपके साथ शेयर भी करूँगा। ठीक है, ओके सर। और ये जो लिंक रहेगी वो पूरे मतलब हमारे टेराफॉर्म जो भी मतलब हमारा चलेगा तब तक ये कॉमन लिंक रहेगा। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन रहेगा मेरा, और ठीक है, तो यही लिंक्स पे हम ज्वाइनिंग कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। और किसी को डाउट कुछ क्वेरी? नो सर। ठीक है, चलो नो सर, कल कंटिन्यू कर दें। बाय।